2000 चिक्स की गाड़ी लेकर आज निकल चुकी हूँ किसी फार्मर के घर। मैं खुद चिक्स देने जा रही हूँ। तो अभी जो है बहुत सुबह सुबह का टाइम है और मैं निकल चुकी हूँ और यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। कारण है क्योंकि यहाँ का जो व्यू है आप देख करके बहुत खुश होने वाले हो कि हमारे धनबाद के कुछ जगहों पे ऐसे ऐसे व्यू है ना कि आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा और सुबह सुबह ऐसा नज़ारा। तो चलिए मैं आप लोगों को वो नज़ारा दिखाती हूँ और बने रहें आप लोग वीडियो में एकदम शुरू से लास्ट तक, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो है चिक्स लेकर के जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ का भी दिखाऊंगी वहाँ पे क्या कैसा है। तो मेरा जाने का एक ही रीज़न है कि ये जो है बहुत दूर नहीं था मेरे फार्म से, मतलब पास से है, तो हमने सोचा कि मैं जा करके खुद ही व्यवस्था देख लूँ, सारा कुछ देख के सही से फिर उनको गाइड भी कर दूँ कि आगे क्या कुछ करना है, चिक्स दे भी दूँ। और यहाँ पे आज काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं मेरे, और भी दो चार फार्मर हैं, तो सभी को मैं दे करके फिर निकलूँगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी जो है बिल्कुल सुबह सुबह का समय है, एकदम उगता हुआ सूरज डायरेक्ट फेस पे पड़ रहा है। आज जो है वीडियो इतनी सुबह सुबह स्टार्ट करने का रीज़न यही है कि अभी जा रही हूँ फार्मर्स के घर, तो आप लोगों को भी साथ में लेते हुए चलूँगी। तो आप लोग बने रहे वीडियो में एकदम शुरू से लास्ट तक, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे खास रीज़न है कि यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया है, तो आज मुर्गी के अलावा भी यहाँ पे कुछ सीन है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो कि हमारे धनबाद में जगह जगह पे जो कोयला के खदान है वो किस तरीके से मतलब होता है वो भी आप लोग देखिएगा। हमारे यहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला हमारे धनबाद में ही पाया जाता है और हमारे धनबाद को कोयले की राजधानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का खदान जो है जगह जगह पर देखने को मिलेगा और बहुत सारे हैं। अगर कभी मौका मिला तो आप लोगों को घुमाऊंगी ज़रूर एक बार धनबाद का जो कोयला खदान है हम लोगों का, बहुत अच्छा अच्छा सीन है। मैं और मेरी गाड़ी पीछे आ रही है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मेरी चिक्स की गाड़ी भी आ चुकी है और अब हम लोग दोनों साथ साथ फार्म में एंट्री करेंगे। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ। तो यहाँ जो है गाड़ी खड़ी हो चुकी है और ये देखिए दो ये थे मतलब गिर जा रहे थे। तो वैसे तो ये चिक्स इतने मजबूत होते हैं कि इनको कुछ भी नहीं होता है और इनको ना हम लोग गिनते भी हैं ना तो बहुत तेज़ी से गिनते हैं, एक साथ चार पांच पकड़ लेते हैं, लेकिन काफ़ी मतलब ये मजबूत होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और अभी बस यहाँ पर मैं निकाल ही रही हूँ, तो इस गाड़ी में टोटल जो है 15,000 सोनाली के चिक्स हैं जो कि मेरा झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए निकला है ये गाड़ी। ये तीन जगह पर ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, यहाँ पे टोटल जो है 22 पेटी चाहिए क्योंकि एक में 50 पीस करके रखे हुए हैं। वैसे हमने तो मतलब पहले ज़्यादा ही डालते थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसके कारण अभी क्वांटिटी हमने कम कर दिया है ताकि उनको अच्छे से हवा मिले, अच्छे से एडजस्ट होकर रहे। वैसे गाड़ी चलती है तो हवा लगती ही है लेकिन फिर भी ये काफ़ी नाजुक होते हैं, मतलब काफ़ी छोटे होते हैं ना, इस वजह से अगर दूसरे के मामले में देखा जाए, दूसरा किसी बच्चे में, तो ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। वरना तो इतने मतलब एक दिन के बच्चे को अगर आप पकड़ोगे तो वो ऐसे ही ये हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके फार्म में ये बच्चे चले जाते हैं उसके बाद आप कहते हैं ना कि इसको मैंने स्वस्थ अस्वस्थ कैसे पहचाने, आप देखिएगा सारे बच्चे बहुत फुर्ती से दौड़ते हैं और जो बच्चे नहीं दौड़ते हैं एकाध समझिए कि वो थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं, वरना सारे के सारे बच्चे बहुत दौड़ते हैं। आपको देख के लगेगा नहीं कि ये एक दिन के बच्चे हैं, बस इनका ये होता है कि ये काफ़ी छोटा रहता है, इस वजह से देख के पता कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैं गिन के दिखा रही हूँ फार्मर्स को,
जैसे कि मैं बता तो देती हूँ कि एक में 50 रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि एक आध अगर कुछ अस्वस्थ हो गए तो फिर दूसरा से निकाल के देना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी एक आध कम रहते हैं। तो बस वही मैं इसको काउंटिंग करके और दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोगों के फार्म में जाता है तो आप लोग नहीं, अगर आपका मन मानता है तो आप इस तरीके से काउंटिंग करके ही लीजिएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बस मेरे भरोसे ही ले लें। आप जब भी ले रहे हैं तो आप गिन के लीजिए। आप उनको कहिएगा जो भी आपको चिक्स दे रहे हैं, मतलब गाड़ी में ड्राइवर होते हैं उनके साथ एक और होते हैं, तो वो लोग आपको गिन देंगे या फिर आप खुद ही गिन लीजिएगा आपने। तो फाइनली यहाँ पे जितना चिक्स देना था वो हमने दे दिया है। अब जो है गाड़ी दूसरे फार्मर्स के घर जा रही है, तभी हम गाड़ी को भेज करके फिर फार्म के अंदर जाएंगे, वहाँ का व्यवस्था सब देख के फिर वहीं पर डायरेक्ट आप लोगों से मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को भी सोनाली का चिक्स चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ फार्म में और आप लोग देख सकते हैं फार्म तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब सही तरीके से सब कुछ नहीं हुआ है। फार्म बना है पर ब्रूडिंग अभी नहीं बनाया है, इसलिए हमने सारे बच्चों को इसमें पैक ही रखा हुआ है। जब तक इनका ब्रूडिंग तैयार नहीं हो जाता तब तक ये इसी तरीके से बॉक्स में रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये 2-3 घंटे में ब्रूडिंग तैयार करके भूसी उसी डाल के रेडी कर लेंगे। हम इनको सब कुछ समझा के बता के और फिर हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। तो यहाँ पे हमने सारे बच्चों को रख दिया है और फार्म काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। जगह की तो कमी है नहीं, प्लस पॉइंट क्या है कि इनका भी जो फार्म है ना वो थोड़ा दिशा गड़बड़ है, पूरा पश्चिम में नहीं है, उत्तर दक्षिण में है। जैसा कि हम लोग के फार्म थोड़ा गड़बड़ है बिल्कुल वैसा ही है, तो हमारा एक रीजन था कि हमारा जो बाउंड्री था हमने उसके हिसाब से बनवाया फिर इसलिए। तो इनका एक फार्म और बन रहा है जो कि सही दिशा में बन रहा है, और अभी मौसम थोड़ा गड़बड़ है, ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि सुबह के टाइम गर्मी बहुत तेज होती है और शाम के टाइम बहुत तेज बारिश आंधी तूफान आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने प्रॉपर इनको बता दिया है कि ब्रूडिंग कैसे करना है और एकदम सही तरीके से ही करना है, बाहरी हवा नहीं आना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे चिक्स देना हो चुका है, अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए, एक चीज़ मेरा अभी बाकी रह गया है, वो है कि अभी पेमेंट नहीं लिए हैं, तो चलिए अभी पेमेंट ले करके हम यहाँ से निकलते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। देन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आती रहती हूँ। तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। पसंद जरूर आई है, लाइक करना नहीं भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।